बीएड टेट 2011 बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में 30 मई से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ये बेरोजगार सरकार से लगातार अपनी नियुक्ति की मांग करते हुए चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला 2011 के बीएड टेट उत्तीर्ण छात्रों का है, जो तभी से ही अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2011 से अब तक 3 सरकार आई और गई, लेकिन इनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 6 अप्रैल से ये अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इनके प्रतिनिधि मंडल से मिलकर सचिव राज प्रताप को आदेश दिया था कि बीएड टेट 2011 के छात्रों को नियुक्ति दे दी जाए। इसके बाद ये बेरोजगार सचिव राज प्रताप से मिलने के लिए प्रदर्शन करने लगे और धीरे धीरे ये प्रदर्शन उग्र होने लगा। बीएड टेट बेरोजगार लगभग 20,000 की संख्या में लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए साहिल गुप्ता की रिपोर्ट। आमरण अनशन चल रहा था, जो कि 7.5 दिन चला। उसके बाद में प्रशासन के आश्वासन पर हमारा आमरण अनशन समाप्त हुआ और क्रमिक अनशन अभी तक अनवरत जारी है। 11 तारीख को हमारे 7 प्रतिनिधित्व मंडल की मुलाकात महाराष्ट्र सीएम योगी जी से हुई, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया और उनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी व्यवधान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग वैलिड हो और हम आपका समर्थन करते हैं। हमारी तरफ से कोई भी व्यवधान आपकी नियुक्ति में नहीं आएगा। उन्होंने बेसिक शिक्षा सचिव राज प्रताप सिंह से ये कहा कि आप इन लोगों की, मैंने पहले भी आपको बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ, वो आकस्मिक किसी कारण से वहाँ पर उपस्थित नहीं रहे और उन्हें जाना पड़ा, तो उन्हें फोन करके स्पेशली मुख्यमंत्री सीएम योगी जी ने हमारे प्रतिनिधित्व मंडल के सामने ये बात कही कि आप लोग जो है इनकी नियुक्ति में किसी प्रकार की हमारी तरफ से व्यवधान नहीं है। ये अभ्यर्थी जो है कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए आप इनकी नियुक्ति का समाधान सही तरीके से निकालिए। और अब हमारी मुलाकात, जो कि हमें सोमवार को हमें समय दिया गया है कि हमारा प्रतिनिधित्व मंडल सीएम योगी जी के दिशा निर्देश के अनुसार राज प्रताप सिंह सर से मिलेगा और हम पूरी ये हमारी होप करते हैं, हमें ये आशा है कि राज प्रताप सिंह सर अब हमारा सहयोग करेंगे और हम बीएड टीटी उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। कैंडिडेट हूँ। पिछले 23 जनवरी से हम लोग का क्रमिक अनशन चल रहा था, 30 अप्रैल से हम लोग का आमरण अनशन था, जो कि 8 मई को तोड़वा दिया गया है माननीय सीएम जी से मुलाकात के दौरान। और माननीय सीएम जी से मुलाकात हो गई है, वो हमारे पक्ष में है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है, वो हमें जॉब देना चाहते हैं। अब पूरा का पूरा हमारा जो डिपेंड है वो आरपी सिंह पे है। आरपी सिंह के लिए हम लोग यहाँ पे इतनी भीड़ लगाए बैठे हैं, उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में बात करेंगे। अगर वो हमारे पक्ष में बात नहीं करते हैं तो इतनी भीड़ को संभालना हमारे बस में नहीं होगा, फिर हम उग्र रूप धारण कर लेंगे। राम राज्य में हम रावण का रूप ले लेंगे।